नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। वक्त हो गया है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का, तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड की माटी के सपूत विपिन रावत का अपनी मातृभूमि से बेहद लगाव था और जब भी मौका मिलता था वो उत्तराखंड जरूर आते थे। सेना प्रमुख जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद भी वो अपने पौड़ी स्थित सैण विरमोली गाँव आते थे। हाल ही में जनरल रावत हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के 9वें दीक्षांत समारोह में 1 दिसंबर को विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 5 घंटे बिताए। वो सेना के प्रोटोकॉल के बावजूद यहां विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक, कर्मचारियों समेत कई स्थानीय लोगों से भी मिले थे। उन्होंने श्रीनगर में अपने संबोधन में पहाड़ की कई समस्याओं को लेकर अपनी चिंता जताई थी और युवाओं को रोजगार की दृष्टि से नई सोच विकसित करने की प्रेरणा भी दी थी। उन्होंने दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं के लिए नौकरी को लेकर एक विशेष बात कही कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त युवा को नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। गढ़वाल के गणरत्न थे और गढ़वाल के वो एक योद्धा हमने कह सकते हैं, वीर भारती के सपूत थे और उन्होंने स्पेशली पौड़ी गढ़वाल के लिए और उत्तराखंड के लिए वो अपना समय जब भी आते थे तो अपना समय निकालते थे। वो अपने बिजी शेड्यूल में भी यहाँ पे टाइम देते थे और बिपिन रावत जी की जो 5 घंटे यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन में जो उन्होंने बिताए, उन्होंने उस कॉन्वोकेशन में अपना सीधा सीधा संदेश दिया और छात्रों को और युवाओं को उनका खास तौर पर संदेश था उत्तराखंड के कि जो भी युवा हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का युवा स्वरोजगार करे, उत्तराखंड का युवा रोजगार दे, वो रोजगार के दर बदर ना भटकना पड़े उसे। और उन्होंने जो छात्र नेताओं के साथ जो बैठक हुई थी हमारे 8 लोगों के साथ, उन्होंने उसे हमें न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था दिल्ली आने का और उसके बाद वो टूरिज्म को लेकर हमसे कुछ बहुत अहम एक प्रोजेक्ट पर बात वार्ता करने वाले थे। लेकिन ये हम दुर्भाग्य समझते हैं कहीं ना कहीं कि वो अचानक उनकी अकस्मात ये जो मृत्यु हुई, इसमें पूरा देश आज शोकाकुल है और मैं समझता हूँ कि पूरा गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए भी ये बहुत बड़ी हानि और ये गढ़वाल के लिए बहुत बड़ी हानि। गढ़वाल विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने काफ़ी चर्चा की, छात्रों को काफ़ी मोटिवेट किया और रोज़गार के प्रति उन्होंने एक मॉडल तैयार करने को यहाँ पर हमको बोला था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब अगली मुलाकात होगी तो अगली मुलाकात दिल्ली में होगी। इसके लिए उन्होंने बोला था कि रोज़गार के लिए उनका विशेष रूप से अब ध्यान था रोज़गार की तरफ, छात्रों को भी उन्होंने अग्रसित करने के लिए बोला और दिल्ली आने के लिए बोला था। लेकिन अचानक यह घटना से काफ़ी हताश हैं हम, काफ़ी दुखी हैं और हमें खुद पता नहीं था कि ऐसी कुछ घटना हो जाएगी। हमने तो दिल्ली जाने की तैयारी कर दी थी, रोज़गार के लिए मॉडल तैयार करने लग गए थे। यहाँ पर जो उत्तराखंड है इसमें रोज़गार जो प्लान है इस बारे में चर्चा के लिए, तो एक छात्रों का प्रतिनिधि मंडल उन्होंने वहाँ बात के लिए बुलाया था। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग मॉडल तैयार कीजिए, फिर दिल्ली आके हमसे मिलिए। जैसे 8 तारीख की एक घटना हुई तो अभी विश्वास करना तो देशवासियों के लिए बड़ा मुश्किल है। जो घटना घटी है इससे पूरा देश शोक में है, उत्तराखंड भी। बाकी उन्होंने हमें ये बताया था कि दिल्ली आके मुलाकात करें। उत्तराखंड के कई जिलों में स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सीमांत विकास खंड जोशीमठ में कार्यरत एनएचएम कर्मचारी पिछले 3 दिनों से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। एनएचएम कर्मी की 2 सूत्रीय मांगों में एनएचएम कर्मियों को हरियाणा राज्य की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान दिए जाने और एनएचएम में आउटसोर्स से नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करने हेतु नियुक्त कर्मिकों को एनएचएम में समायोजित किए जाने की मांग कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं एनएचएम कर्मियों की हड़ताल की 2 तस्वीरें, एक तस्वीर चमोली से है तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग से। आपको बता दें कि एनएचएम कर्मी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। उनकी मांगें स्पष्ट हैं, उनका कहना है कि हरियाणा राज्य की तर्ज पर ग्रेड वेतनमान दिए जाएं और एनएचएम में आउटसोर्स से नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करने हेतु नियुक्त कर्मियों को एनएचएम में समायोजित किए जाने की वो मांगे रख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक चमोली की है तो वहीं दूसरी रुद्रप्रयाग की है। मांगों के विषय में जैसा कि हमारी प्रथम मांग है कि जो हमारा हरियाणा की तर्ज पे ग्रेड वेतन मान दिया जाए और 60 साल की जो सेवा है वो आसाम की भांति जैसे आसाम राज्य दे रहा है तो 60 साल की सेवा हमें इसमें दी जाए। दूसरी मांग जो हमारी आउटसोर्स को लेकर है
कि आउटसोर्स जो अभी हमारे यहाँ पर एजेंसी थर्ड पार्टी से हमारे यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं तो उसको तत्काल बंद किया जाए, और जो हमारे पुराने लोग इसमें आए हैं उनको हमारे जिला स्वास्थ्य समिति में मर्ज किया जाए। अस्पताल जो हमें 24/7 में जो हमारी हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं उसमें हमारे लैब हैं और हमारे जो फिजियो सेंटर हैं या फिर हमारी डेंटल की जो विंग है, तो मैक्सिमम लोग इस पर काम करते हैं। हमारे कोविड से लेकर भी टीकाकरण में भी हमारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसको भी अब पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारी बस यही गुजारिश है सरकार और शासन से कि तत्काल हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाए, और जो हमारा ये कार्य बहिष्कार चल रहा है या अभी दो दिन से शांतिपूर्वक चल रहा है। हम जनरल साहब को भी कल हमने विनम्र श्रद्धांजलि अपने यहाँ पर दी है और शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको आगे चला रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्कर जुड़ चुके हैं चमोली से। पुष्कर, एनएचएम कर्मचारी अपनी दो मांगों को रख रहे हैं, इस पर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? पूरे उत्तराखंड में जो है इस समय जो है एनएचएम के जो कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में लोग जॉब करते हैं, आउटसोर्स के द्वारा जो नई भर्तियां जो चल रही है इसके खिलाफ इनका एक आक्रोश है, और एक दूसरा आक्रोश इनका हरियाणा की तरफ जो इनको मान दे या इनको पक्का किया जाए उसको लेकर जो है इनकी केवल स्वास्थ्य विभाग से एक ही मांग है, ये मांग है कि हमें यहाँ पे पक्का कर दिया जाए और जो आउटसोर्स के द्वारा जो भर्तियां जो समय चल रही है पूरे उत्तराखंड में इसको जो है रोक दिया जाए, जो लोग पहले से ही काम करें, क्योंकि इसमें देखिए कारण इसमें जो है ऐसे लोग भी हैं जिनको 10-12 साल काम करते हुए इस विभाग में हो गए हैं और कोरोना काल से लेकर और अभी तक जो है लोग लगातार अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं, अपना अपने जो दिनचर्या रहती है, हम आर्मी हो चाहे वो हॉस्पिटल की हो या आपका जो तमाम सारे जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं इनको देखने में, क्योंकि पहाड़ों में जो लोग काम करते हैं चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग के भी लोग रहते हैं, लेकिन ये जो लोग जो है दो दिन से इनका करते हैं इनका धरना शुरू हो गया है। और स्वास्थ्य विभाग की अगर जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो जनपद चमोली में भले ही सीएमओ ने इसका संज्ञान ले लिया हो लेकिन अभी तक इनके जो जो मांगे हैं केवल दो मांगे हैं इनकी, एक आउटसोर्स को लेकर है और एक इनका जो पुष्कर ऐसे में हम दो तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक जोशीमठ से भी तस्वीर है और दूसरी तस्वीर चमोली से है जहां पर ये एनएचएम कर्मी जो है हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना चाहेंगे पुष्कर, इसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या मांगों को कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए काबिल मैं आपको बताऊँ की अधिकारी ने तो संज्ञान ले लिया, मैं चमोली की बात करूँ तो हेमो जो चमोली है अग्रवाल है इन्होंने जो इसका संज्ञान ले लिया है और इनके द्वारा कहा गया है कि आपकी बात हम जो है जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के जो देहरादून में बैठते हैं इनके तो इनके यहाँ पहुंचाने का इन्होंने इसको आश्वासन दिया। हालांकि जो कर्मचारी इस समय हड़ताल पर बैठे हैं और रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली से लेकर टिहरी से लेकर तमाम सारे जो पहाड़ी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन भी इनको कहा जाता है, लेकिन ये जो है कल से जो है हड़ताल पे यहाँ पे बैठ गया और इनका ये अनिश्चितकालीन धरना केवल इनकी दो ही मांगे आउटसोर्स को लेकर और जो इनका वेतन मान और पक्का हरियाणा का जो इनको पक्का कर दिया गया एनआरएसएम के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है कुछ दिन में उत्तराखंड में इनको पक्का नहीं किया, लेकिन आउटसोर्स से लगातार भर्ती हो रही है तो इनका केवल यही विरोध है कि हमें भी जो है हरियाणा की तरफ से आउटसोर्स को यहाँ पे बंद कर दिया जाए और हमें प्राथमिकता दी जाए। ठीक है पुष्कर, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा जितने भी कार्य हैं उसका बहिष्कार किया जा रहा है, तो ऐसे में कार्य पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कारण मैं आपको बता दूंगी कोविड का भी कार्य चल रहा है, क्योंकि जनपद चमोली का मैं आपको आंकड़ा दे दूं, गौचर में बैरियर बना था तो ये लोग यहाँ पे भी धरना यहाँ पे भी जो इनकी ड्यूटी लगी थी और आपका पाड़वा खाल वाले एरिया में लगा हुआ था तो यहाँ पे भी इनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, लेकिन अभी जो है ड्यूटियों में जो है बड़ी परेशानी जो है स्वास्थ्य विभाग को करनी पड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो है एनआरएसएम के कर्मचारी यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यदि किसी गाँव में वैक्सीन लगाने को जाना हो पड़ता है तो इनका नंबर सबसे पहले आता है, या अकाउंट की बात करी जाए तो अकाउंट में भी इनका नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि ये लोग जो है किन लोगों को जो है लेकर 12 साल जो है इस विभाग में जो नौकरी करने का तजुर्बा भी है और पहाड़ों में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो लगर है तो ये लोग जानते हैं कि किस तरह से काम किया जाए, तो कोरोना काल में जो है इसमें इस समय इनकी ड्यूटियां जो बैरियरों पर लगी है तो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और सरकार से अपनी मांग केवल यही कर रहे हैं कि जिस तरह से हमारा कार्य जो है बाधित ना हो। लेकिन अगर सेमो चमोली की अगर मैं बात करूँ तो सेमो चमोली लोगों से बात करी है, जनपद चमोली में बात करी, क्योंकि
आने वाला जो पीक पॉइंट है या आने वाला जो फरवरी में कयास लगा दिन माफ कीजिएगा जो जनवरी में जो कयास लगा जाएगी कहीं तीसरी लहर, क्योंकि अब जो है स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर जो है जिन लोगों को वैक्सीन लगी उसका काम यहाँ पे चालू कर दिया, तो इन लोगों की अधिक से अधिक जो है संख्या जो है एनआरएसएम के जो कर्मचारी है चाहे वो चमोली हो चाहे रुद्रप्रयाग हो या टेहरी हो या आपका कुमाऊं की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो है ये आउटसोर्स के द्वारा ही लगे हैं और ये काम जो है ठीक करते हैं, क्योंकि कारण में सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सैलरी भी कम होती है और इनको काम जो है ज्यादा जाता है, तो इनको लेकर जो है विभाग में जिस तरह से काम करते हैं चाहे लैब की अगर बात कर जाए यदि चलिए ठीक है। पुष्कर नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पुष्कर हमारे संवाददाता थे चमोली से जो तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि दो मांगों को लेकर ये जो प्रदर्शन है चमोली में किस तरीके से चल रहा है और ऐसे में अधिकारियों ने संज्ञान तो लिया है लेकिन अभी तक क्या कुछ निकल कर आया उसका उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जोशीमठ की, वहां से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट भी जुड़ गए हैं। अंकित भट्ट अभी फिलहाल का क्या कुछ अपडेट है, प्रदर्शन चल रहा है ठीक है, अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? जी, जिस तरीके से दो सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा के कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और उनका काफी समय से जो मांगे हैं हरियाणा की तर्ज पर उनका वेतनमान और आउटसोर्सिंग से जो भर्तियों पर रोक लगाने की मांग है वो हड़ताल पर बने हुए हैं। आज भी उनका चौथा दिन था। जिस तरीके से उनकी आज की बात करें तो उन्होंने अपना कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से शुरू कर दिया है और जिस पर कर्मचारी ने पहले ही इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर कार्य बहिष्कार शुरू किया और अब स्वास्थ्य इमरजेंसी सेवाओं से भी अब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसमें टीकाकरण हो और कोविड टीकाकरण सैंपलिंग वगैरह सब टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उन्होंने कार्य बहिष्कार यहाँ पे कर दिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चमोली और रुद्रप्रयाग से आपको ये दो तस्वीरें दिखाई। रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, इससे पहले पुष्कर थे जो चमोली की जानकारी दे रहे थे और अंकित भट्ट साहब हमें रुद्रप्रयाग से तमाम जानकारियां मुहैया करा रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। वही दर्शकों, केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती ने भारत सरकार से देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और टिहरी में उनसे मुलाकात हुई थी, रावत देश के हर नागरिक की सुरक्षा के बारे में सोचते थे, वो गढ़वाल और उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। आपको बता दें कि 19 सितंबर 2019 को विपिन रावत केदारनाथ आए थे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन पर उनके पैतृक गांव पौड़ी जिले के ग्राम पंचायत बिरमोली के सैण गांव में मातम पसरा हुआ है। गुरुवार को गांव में एक शोक सभा का आयोजन हुआ जिसमें यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने शिरकत की। इस दौरान उनके चाचा ने सैण गांव में उनकी याद में घर बनाने का वादा किया। विधायक ने कहा कि जनरल बिपिन रावत इस देश के नायक थे, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे और रहेंगे, वो देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत कर उन्हें सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सेना के आधुनिकीकरण में जनरल बिपिन रावत का एक अहम योगदान था। उनके योगदान को भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उत्तराखंड ने एक वीर सपूत को खोया है, जनरल बिपिन रावत की आज एयर क्रैश में मृत्यु हुई है। उत्तराखंड के रत्न यमकेश्वर के छोटे से गांव सेना के गौरव आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये एक अपूर्णीय क्षति है यमकेश्वर के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। सेना में रह के उन्होंने अभूतपूर्व कार्य इस देश के लिए किए हैं। सरल थे, सौम्य थे, लेकिन एक जाबाज जनरल थे। उनकी मृत्यु हमारे लिए बहुत दुखद है और एक अपूर्णीय क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें श्री चरणों में जगा दे। तो विधायक ऋतु खंडूरी को आप सुन रहे थे, वो बता रही थी कि बिपिन रावत के निधन पर उनके पैतृक गांव पौड़ी जिला का ग्राम पंचायत सिरमोली सैण गांव जहां पर मातम पसरा हुआ है और यमकेश्वर की विधायक है ऋतु खंडूरी भूषण जिन्होंने शिरकत की गांव में और उनके चाचा ने सैण गांव में उनकी याद में घर बनाने का वादा भी किया है। इसके साथ ही विधायक को आप सुन रहे थे जो कह रही थी कि जनरल बिपिन रावत इस देश के नायक थे, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे और हमेशा रहेंगे,
वो देश के युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत कर उन्हें सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे। सीडीएस विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस कड़ी में देश के कई इलाकों में शोक सभा आयोजित की जा रही हैं। वहीं लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विंदु खत्ता स्थित अपने कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि सीडीएस विपिन रावत का इस तरह से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो लालकुआ में शोक सभा का आयोजन किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लालकुआ का बिंदु खत्ता इलाका, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन्होंने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ शोक सभा का भी आयोजन किया। देखिए, उत्तराखंड के तो है ही, ये एक राष्ट्र के थे, पूरे भारतवर्ष के थे, ये तीनों सेनाओं के मुखिया थे और उनकी सोच, उनके जो कार्य उन्हें किए, उनको ये देश हमारा कभी नहीं भूलेगा, राष्ट्र नहीं भूलेगा। और उनके द्वारा जिस प्रकार से सेनाओं को सशक्त किया गया, चाहे वो हथियार के मामले में हो, चाहे जिम्मेदारी के मामले में हो, उनके जो अनुभव उनका था, वो अनुभव पाना बड़ा मुश्किल है और ये मतलब ये पूर्ति करना भी बहुत टफ है देश के लिए। इसी घड़ी में हम लोग उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं और से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में शरण दे। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैणा में पहुंचकर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में शहीद जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां पर मौजूद लोगों के साथ 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान उन्होंने सीडीएस के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त कर सांत्वना दी। जिलाधिकारी ने कहा है कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, सीडीएस विपिन रावत को हमेशा याद किया जाएगा और वो हमारे लिए हमेशा अमर रहेंगे। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस का जनरल विपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सैणा, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित किया, साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया। परिवार द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है, उस संबंध में कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी से वार्ता किया है, उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें एक सड़क सैंक्शन हो रखी है, सिर्फ 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य भी अवशेष है, उसको प्रारंभ इसी वर्ष में किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी शासन स्तर से उसको हम शीघ्रता से करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित देश के 13 जामाज सैनिकों के बुधवार को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु की खबर से पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। सितारगंज में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य जाबाज सैनिकों के शहीद होने पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी सदस्यों की तरफ से उनके अदम्य शौर्य, साहस और देश सेवा को याद करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हम सब जानते हैं बहुत ही दुख का समय है हमारे देश के लिए, जिस प्रकार से जो क्षति हमारे देश को पहुंची है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। हमारे जनरल बिपिन रावत जी अपनी धर्मपत्नी जी और 11 सैन्य अधिकारियों के साथ जैसे उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी की जान चली गई, ये बहुत ही अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 मिनट का मौन रख के नगर कांग्रेस कार्यालय में दी गई है। सुरक्षा कवच के रूप में जो रावत जी ने देश के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है, जनता वो कर्ज कभी नहीं उतार सकती है। जिस
रुद्रप्रयाग में चिकित्सालय से आर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी और आंख, कान, नाक और गला सहित अन्य जरूरी ब्रांचों के कोटेश्वर अस्पताल शिफ्ट होने को लेकर स्थानीय लोगों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा है। शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने जिला अस्पताल में धरना देते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कहा कि जब तक अस्पताल शिफ्टिंग पर रोक नहीं लग जाती आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग से कुछ महत्वपूर्ण यूनिटें शिफ्ट हो रही हैं और जनता इससे आक्रोशित, और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके गरीब जनता है हमारी, वो बहुत परेशान है और उसको आने जाने में बहुत सी दिक्कतें, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी मुख्यालय से है कोटेश्वर की, और करीबन वहाँ जाने में 400 से 500 रुपये का बुकिंग में आदमी जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी लोगों को वहाँ पर बहुत सारी असुविधाएँ हुई, खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिली, उसी तरह से अगर वहाँ पर इतनी असुविधाएँ हैं तो फिर वहाँ पर लाने का क्या मतलब। और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि विस्तारीकरण हो हॉस्पिटल का, जरूर विस्तारीकरण हो, उसको बेस के रूप में स्थापित किया जाए, ट्रॉमा सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए। जो जिला चिकित्सालय में सुविधाएँ नहीं हैं वो सुविधाएँ आप वहाँ पर दीजिए, क्यों नहीं फिर लोग देहरादून जाएंगे और क्यों लोग कोटेश्वर, लोग कोटेश्वर जाना ज़्यादा सरल समझेंगे देहरादून से बढ़िया। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर महत्व और अच्छी फैसिलिटी सरकार दे। आज हमें ज्ञात हुआ कि कुछ यहाँ से कुछ यूनिटें शिफ्ट हो रही हैं और हम ये चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से यह यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए वहाँ पर जाने की व्यवस्था, कुछ गरीब लोग रहते हैं और उनको आने जाने की असुविधाएं होती हैं। हम ये चाहते हैं पूरा हॉस्पिटल यहीं पर रहे और गरीब जनता को कोई दिक्कत ना हो, और हमारी यह लड़ाई जो है जारी रहेगी जब तक यह पूर्ण रूप से हॉस्पिटल यहीं पर नहीं रहता है। वहीं देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान कोविड 19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ 13 दिसंबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएगा। रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केवल 200 लोगों को परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले पर्यटकों को FRI परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सभी पर्यटक अपना पंजीकरण संस्थान की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इससे संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।